प्रेज लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज के दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो जाए और मगन हो जाए। आज के दिन आनंदित होने के लिए प्रभु ने बनाया है। पहले कुरिन्थियों के पत्र 4:1-2, मनुष्य में मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों की भंडारी समझे। फ्रेहा भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य हो। भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य हो। आपके जीवन में परमेश्वर एक बात देखता है कि आप कितना विश्वास योग्य, आर यू फेथफुल। भजन संहिता में दाऊद इस प्रकार कहते हैं, परमेश्वर बचा लो क्योंकि विश्वास योग्य लोग पृथ्वी पर कम हो रहा है। यीशु मसीह का इस तरह उदाहरण सेवगाई के विषय में बोलने की बात बोला गया था। जब स्वर्ग में पहुंचेंगे परमेश्वर बोलेंगे, हे विश्वास योग्य और भले दास, फेथफुल सर्वेंट। आप आपके घर में या आपके ऑफिस में कहीं पर भी किसी को रखता है काम के लिए, कुछ जिम्मेदारी के लिए, आप उस व्यक्ति को रखना पसंद करेगा जो फेथफुल है, ईमानदार है, विश्वास योग्य है, ताकि आप उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा कर सके। हमें से हर एक यीशु मसीह का सेवक और भंडारी समझना है। किस बात की भंडारी? परमेश्वर की भेदों का भंडारी। और भंडारी में परमेश्वर क्या देखता है, क्या ढूंढता है, क्या देखता है कि विश्वास योग्य होना चाहिए। कि परमेश्वर कुछ आपको सौंपे तो आप विश्वास योग्यता के साथ उसे करें, आप उसमें परमेश्वर की भरोसा को ना तोड़े, गड़बड़ी ना करें। तो विश्वास योग्यता, ईमानदार होना, वफादार होना परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर आगे आपको बड़ा काम सौंपना है, छोटे बातों में जो विश्वास योग्य रहेगा उन्हें बड़ी बातों में अधिकारी ठहराएगा। सो बी फेथफुल इन व्हाट यू हैव, जो आपके पास है, जो आपको प्रभु ने सौंपा है, उन बातों में विश्वास योग्य रहे ताकि परमेश्वर आपको बड़ा काम आपके द्वारा और कर पाए। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे, आप परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य दास बन जाए और इस पृथ्वी पर परमेश्वर की बड़ी बड़ी बातों को, परमेश्वर की अद्भुत कार्यों को, प्रोजेक्ट को, स्वर्ग का बड़े बड़े कार्यों को करने के लिए परमेश्वर आपको चुनने पाए, आपको सौंपने पाए, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दिया जाए। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू, शालोम।